हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान। तो आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जिसे हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये हमारा पार्ट वन रहेगा। इसके बाद हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ाएंगे कि इसके पदों के बारे में। फर्स्ट इसमें हम थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट पहले से ही पूरे होते हुए चले जाएं और हमें थ्योरी को समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और उसके बाद हम इसके पदों के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ये भी हम डिस्कशन करते रहेंगे बीच बीच में। तो इसे शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं जीन पियाजे का, इंट्रोडक्शन। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ और उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हो गई। वह स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे, जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हुए। अब देखिए, जो इन्होंने जो कार्य किया डेवलपमेंट पे बाल विकास के, तो उसके कारण ही ये इतने प्रसिद्ध हुए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें कि पहली अवस्था हमारी है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी हमारी जो स्टेज है, वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये हमारी 2 से 7 वर्ष की तक रहती है, और इसे भी पियाजे ने 2 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तीसरी हमारी जो अवस्था है, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये होती है 7 से 11 वर्ष। चौथी जो हमारी अवस्था है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके इन स्टेजेस के बारे में। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, जो कि 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहजता से ज्ञान अर्जित करता है। जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसके भीतर सहज क्रियाएं रिफ्लेक्सेस होते हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञान इंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों और गंधों का अनुभव प्राप्त करता है, और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। अब देखिए, इसमें इसे हम गामक पेशी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी इस अवस्था में जितनी भी वो क्रिया करेगा, वो शारीरिक क्रियाओं द्वारा करेगा। तो इसे इसमें एक क्वेश्चन पोटापो भी हो जाता है, जैसे कि बालक शारीरिक क्रियाओं द्वारा कब करना शुरू कर देता है, तो वो होती है, वो कौन सी अवस्था होती है, वो संवेदी पेशी अवस्था, या फिर से हम ये भी कह सकते हैं 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष की आयु में वो शारीरिक क्रियाओं द्वारा ही सीखता है और अपने आप को अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही चीजों को सिखाता है। अब इसे भी पियाजे ने 6 स्टेजेस में विभाजित किया है, जिसमें कि सहज क्रिया की अवस्था, जो कि जन्म से 30 दिन तक होती है। दूसरी है प्रमुख वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था, जो कि 1 माह से 4 माह तक रहती है। तीसरी है गौण वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था, जो कि 4 माह से 8 माह तक रहती है। चौथी है गौण स्मेटा की समन्वय की अवस्था, जो 8 माह से 12 माह तक रहती है। पांचवी है हमारी तृतीय वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था, जो कि 12 माह से 18 माह तक रहती है। जो लास्ट स्टेज रहती है, मानसिक सहयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था, ये होती है 18 से 24 माह तक। अब देखिए, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सहज क्रिया होती है, जो कि जन्मजात होती है, मतलब कोई भी क्रिया ऐसी जिसमें कि जो होनी होनी है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, जन्म से 30 दिन के, आप उनके पास कुछ भी रखो, वो सक करना शुरू कर देते हैं, उसे चूसना शुरू कर देते हैं। आप उनके मुंह में हाथ डालेंगे तो वो चूसना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक सहज क्रिया है। दूसरी स्टेज है प्रमुख वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था।
अब इसमें क्या होता है कि बच्चे है ना अपने आसपास की चीज़ों को पकड़ना शुरू करते हैं, उनके साथ उन्हें छूना की कोशिश करते हैं। तो ये वाली अवस्था गौण वित्तीय अनुक्रिया की अवस्था। अब ये है 4 से 8 माह तक। इसमें क्या करते हैं बच्चे अपनी है ना चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, और जैसे सहज क्रिया को ना करते हुए दूसरी क्रियाओं को करते हैं, जैसे कि थोड़ा चलना है, आँखों चलना और चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें चौथी हमारी जो है गौण स्मिता की संवहनी की अवस्था, ये है 8 से 12 माह तक। अब देखिए इसमें क्या करते हैं ना बालक चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे उनके सामने से कोई चीज़ चली जाए, जैसे उनकी माँ की आवाज़, अपने घर वालों की आवाज़, अपने माँ का चेहरा, ये क्या कर लेते हैं मतलब पहचान बना लेते हैं, चीज़ों को पहचानने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। पांचवी है हमारी तृतीय वित्तीय अनुक्रिया की अवस्था। अब इसमें बालक क्या करते हैं, इसमें बालक बाहरी अनुक्रियाओं के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं। चौथा जो है हमारा मानसिक सहयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज। अब इसमें क्या करते हैं कि खोज करते हैं नई नई चीज़ों की खोज, जैसे कोई चीज़ आप छुपा दो उनके सामने से है। पहले क्या होता था, पहले बच्चा भूल जाता था, लेकिन अब क्या हो गया उसमें वस्तु स्थायित्व हो गया है। वस्तु स्थायित्व मतलब वो उस चीज़ को पहचान चुका है और वो बाद में भी उस चीज़ को याद रखेगा। जैसे कोई उसका खिलौना है तो खिलौनों को अगर आप छुपा देते हैं तो वो बाद में भी उस खिलौने के लिए रोएगा और उसे मांगने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक वस्तु स्थायित्व की स्टेज आ चुकी है। तो एक क्वेश्चन और पुट अप होता है कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था कौन सी है, तो वो भी सेंसरी मोटर स्टेज होगी या फिर संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी स्टेज हमारी है संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष की आयु तक रहती है। अब इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित ना होकर दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित करता है, मतलब दूसरों की जानकारी दूसरों से पूछता है, जैसे कि अपने पापा से पूछेगा पापा ये क्या है। देखते नहीं है 2-3 साल के बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं, उन्हें हर चीज़ क्यूरियोसिटी बहुत होती है, उनमें उन्हें हर चीज़ जानने की लगी रहती है कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक स्व केंद्रित ना होकर दूसरों के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, तो वो हमारी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में इस अवस्था को 2 स्टेजेस में बांटा गया है। पहली अवस्था है पूर्व प्रतात्मक काल, जो कि है हमारी 2 से 4 वर्ष तक। दूसरा है अंतर्दशी अवधि, अब यह इसे प्रग काल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 4 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। अब इसमें क्या करता है ना, निर्जीव वस्तुओं को, अब देखिए पहली जो स्टेज होती है उसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है और आत्म केंद्रित हो जाता है, मतलब चीज़ों को सोचता है जैसे मैं हूँ ऐसे ही, जैसे मेरी चीज़ें हैं, जैसे डॉल है उसकी डॉल, तो उसे भी सोचता है कि इसमें भी जान है, इसे भी दर्द होता होगा है, अगर आप उसे उसे दर्द होगा तो उसे भी दर्द होगा, मतलब निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है। अब दूसरी अवस्था जो होती है, इसमें बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटा आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करना लगता है, इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। अब देखिए इसमें बच्चे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत चीज़ें समझने लगते हैं, लेकिन तर्क करना नहीं सीखते। तर्क करना जैसे कि ये चीज़ क्यों है, मतलब 2 और 2 4 क्यों है, ये चीज़ नहीं सीखते। तो ये कौन सी अवस्था होती है, अंत प्रातःकाल। अब हमारी तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल। अब इसे है ना इसे हम इसमें बच्चा तर्क करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता विभिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस अवस्था को तार्किक अवस्था भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा इस अवस्था में तर्क करना सीख जाता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है और हो रही है, जैसे 2 और 2 4 होता है तो 2 2 -2 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वो करना सीख जाता है, लेकिन जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें ये चीज़ नहीं पता थी उसे कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं। तो इसमें क्या करता है, इसमें तर्क करना सीख जाता है और अपनी पर्यावरण में है ना अपने अनुकूलन बैठाने की कोशिश करता है।
तो ये वाली अवस्था। और देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप होते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिस जब बालक तर्क करना सीख जाता है। तो तर्क करना और तर्क तर्क करना कब सीख जाता है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए इसमें तर्क करना तो सीख जाता है, लेकिन प्रॉपर वे में जो सीखता है वो नेक्स्ट स्टेज होगी इसकी, उसमें करना सीखता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आए कि बालक तर्क करना कब सीख जाता है, तो उसका आंसर हमारा होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की उम्र में। अब हमारा चौथा जो है स्टेज वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। अब इस अवस्था में बालक बिल्कुल अच्छी तरीके से तर्क समझने लग जाता है और समाजीकरण हो जाता है उसका। समाजीकरण मतलब कि वो ये चीज सीख जाता है कि ये क्यों हो रहा है और उसे एक बिहेव कैसे करना है दूसरों से, है तार्किक चिंतन करने शुरू कर देता है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो गलत है या सही है, ये चीज सीख जाता है। तो काफी चीजें वो सीख जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास। अब देखिए तार्किक मतलब चीजों को समझने लग जाता है कि क्यों और कैसे हो रही है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है, चीजों को ये चीज से समझने लग जाता है कि ये अगर प्रॉब्लम हुई है तो इसका समाधान क्या होगा। मतलब अपने आप ही अपने माइंड में ही कॉन्सेप्ट बनाता रहता है, चीजों को इकट्ठा करता रहता है कि इसके समाधान के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसे। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब देखिए कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत, मतलब कौन सी असली है और कौन सी नकली, ये चीजों को समझने में विकास हो जाता है उसका। और वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास। अब देखिए जो उसने अनुभव किया है उन अनुभवों को वो दूसरी चीजों में भी जोड़ने की और अपने निजी जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, करने का विकास हो जाता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। देखिए अब जो परिकल्पना मतलब जो थॉट्स उसके माइंड में चल रहे हैं और ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं और क्यों नहीं होती, तो ये सारी चीजें वो कैलकुलेट करना सीख जाता है कि क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। अब देखिए अगर कोई चीज है जो उसे परेशान हो रही है, मतलब गलत और सही के बीच में अंतर करना करने का करना सीख जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। अब देखिए शिक्षा में इनके क्या योगदान रहे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संज्ञानवादी विकास सिद्धांत व विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समायोजन, संतुलीकरण व स्कीमा जैसे नवीन संप्रत्ययों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए जो जीन पियाजे थे उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो दिया वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे दिया, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें क्या था कि जो भी टीचर पढ़ाएगा वो बच्चे की सहूलियत, बच्चे के इमोशंस, बच्चे की डेवलपमेंट, हर चीज को देखते हुए पढ़ाएगा, ना कि अपनी सहूलियत, ना कि अपने विचारों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हमें जो पढ़ाई में पढ़ाना है वो इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को ध्यान में रखकर ही हमें सारी चीजें पढ़ानी है। अब इन्होंने कुछ संप्रत्ययों का प्रयोग करके इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करी, जैसे कि आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण और स्कीमा। अब देखिए इन चारों वर्ड्स का मैं एक दूसरे पार्ट में आपको समझाऊंगी और बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बालक के विकास के बारे में और हमारे सीटेट के लिए या किसी भी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शिक्षक को बालकों की समस्या का हर संभव निदान करना चाहिए। अब देखिए इन्होंने कहा कि जो शिक्षक हैं वो बालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें और बालकों की हर परेशानियों का निदान करें। अगर बालक परेशान होगा तो वो स्टडीज पे या किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो एक एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी हर एक चीज का निदान करें।
शिक्षकों को हमेशा बालकों के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे बालक अधिगम के लिए प्रेरित हो। अब देखिए इसमें दूसरी बात जो इन्होंने कही वो ये कही कि शिक्षक को हमेशा एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बालक उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके और पढ़ाई में उसका दिमाग लग सके। जैसे कि अब ये देखिए कि कहीं ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, या फिर नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, तो वो एनवायरनमेंट उसके लिए अच्छा नहीं है। तो एज अ टीचर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से बच्चे को उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसे पढ़ाना है। चौथा पॉइंट जो हमारा है, मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया ही स्कीमा कहलाती है। यदि हम किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीयता प्रतिक्रिया करते हैं तो वह स्कीमा है। आप देखिए यहाँ स्कीमा की डेफिनेशन आ गई है एक तरीके से, कि स्कीमा क्या होता है। देखिए हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट संप्रत्यय बन जाता है। जैसे कि बालक, छोटे बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि कोई खिलौना है और उनके हाथ से ले लिया आपने और कर दिया लो उड़ गए, चील ले गई या कोई भी ले गया, इस तरीके से आपने छुपा लिया। लेकिन अगर बालक उसके बाद भी 10-5 मिनट तो रोएगा, लेकिन अगर बाद में भी वो खिलौने को मांगता है तो वो उसके माइंड में वो इसका स्कीमा बन चुका है उस खिलौने का। जैसे कि जैसे अगर बालक, कोई बच्चा है, किसी गाय को देखता है, गाय को देखकर उसे ये पता है कि ये गाय है, ठीक है। अब यहीं पर वो दूसरा घोड़े को देख लेता है तो उसे ये पता थी कि गाय के चार पैर होते हैं और उसका मुंह ऐसा होता है या फिर इस तरीके से, तो वो दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा और उसे वो घोड़े को भी गाय समझ लेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बन चुका है जो कि वो उसे समझ पा रहा है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में स्कीमा और आत्मिकरण और समायोजन, इन सब के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और अगर किसी भी इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके रिव्यूज़ हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा। थैंक यू।